हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कालखंड में हमने हाइड्रोकार्बन के रसायन अंतर्गत एल्केनों के रासायनिक गुण में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका अध्ययन किए थे, और जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो एल्किनों का जो ऑक्सीकरण है वो चार तरीके से एल्किनों का ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण, या जिसको पूर्ण दहन भी बोलते हैं, अपूर्ण दहन जिसके बारे में पिछली कालखंड में बताया गया था, तीसरे प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया रासायनिक ऑक्सीकरण, रासायनिक ऑक्सीकरण अर्थात किसी रासायनिक ऑक्सीकारक जैसे कि K-4, ये ऑक्सीकारक है, इसके द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। तो जो एल्केन होते हैं ये जो हैं रासायनिक ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते, केवल तृतीयक हाइड्रोजन युक्त एल्केन, तृतीयक हाइड्रोजन युक्त एल्केन ही ऑक्सीकरण होते हैं। एल्केन ही ऑक्सीकृत होते हैं और एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल अन्य एल्केन रासायनिक ऑक्सीकारकों जैसे K-4 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते, तृतीयक हाइड्रोजन युक्त एल्केन ही ऑक्सीकृत होते हैं और एल्कोहल बनाते हैं। तृतीयक हाइड्रोजन युक्त एल्केन, तृतीयक हाइड्रोजन, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये तृतीयक कार्बन होगा कब, जब इनसे ये तीन कार्बन इनसे जुड़ा होगा। तो ये कार्बन तृतीयक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता चार होती है, तीन, और इससे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब ये एल्केन और इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तीन हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड, ये तीन हाइड्रोजन। तो ये एक एल्केन है तृतीयक हाइड्रोजन युक्त, इसका नाम 1, 2, 3, 4 चार कार्बन परमाणु युक्त एल्केन का नाम ब्यूटेन, चूंकि यह शाखित है इस कारण इसको आइसोब्यूटेन। इनका ऑक्सीकरण कराते हैं किसी भी रासायनिक ऑक्सीकारक जैसे कि K-4, इनके द्वारा ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस नवजात ऑक्सीजन द्वारा इनका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाता है और बनता है एल्कोहल। एल्कोहल अर्थात OH, COH, CH3, ये CH3, ये CH3। तो इस तरीके से ये बन जाता है एल्कोहल। इस एल्कोहल का नाम होगा, एल्कोहल का नाम हम जानते हैं एल्किल एल्कोहल। तो चार कार्बन वाला एल्किल ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये एल्कोहल बनाते हैं। इसके बाद चौथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। एल्केन जो हैं उत्प्रेरकों द्वारा भी ऑक्सीकृत होते हैं, चौथी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण।
किसी भी एल्केन का उत्प्रेरक द्वारा ऑक्सीकरण होने पर एल्कोहल एल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड एवं अम्ल, ये तीनों प्रकार के पदार्थ जो हैं बना सकते हैं किसी उत्प्रेरक द्वारा ऑक्सीकरण करके। जैसे किसी को समीकरण के रूप में देखते हैं, मेथेन CH4, ये है मेथेन, इनका ऑक्सीकरण करते हैं किसी भी उत्प्रेरक द्वारा, ये नवजात ऑक्सीजन। तो किसी भी एल्केन का ऑक्सीकरण जब होता है तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल अर्थात OH, कार्बन से ये OH जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और बाकी ये तीनों हाइड्रोजन को लिख देते हैं, तो ये एल्कोहल। एल्कोहल का नाम एल्किल एल्कोहल होता है, तो कौन से एल्किल, एक कार्बन वाला एल्किल मेथिल, ये बन जाता है मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल और इनका ऑक्सीकरण होने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड अर्थात जिसमें CHO ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड, ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है, एल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड हम जानते हैं HCHO, तो ये ऑक्सीकरण, मतलब देखो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हाइड्रोजन निकलने वाली अभिक्रिया, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ये ऑक्सीजन ये दोनों हाइड्रोजन ले लेता है, अर्थात H2O निकल जाती है इसमें, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में H2O निकलती है, ये बन जाता है एल्डिहाइड। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फिर इनका ऑक्सीकरण होता है और जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है अम्ल बनता है, अम्ल अर्थात COOH, COOH इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां भी OH हो सकता है। ऑक्सीजन यहां लिख सकते हैं O, इधर ये OH, अर्थात ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ जाता है, ये बन जाता है अम्ल, एक कार्बन वाला अम्ल फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो ये है उत्प्रेरक ऑक्सीकरण, अर्थात किसी भी एल्केन का जब किसी उत्प्रेरक द्वारा ऑक्सीकरण होता है एल्कोहल बना सकते हैं, एल्कोहल एक ही स्टेप में बन जाएगा। यदि एल्केन से एल्डिहाइड बनाना है तो दो स्टेप में, सबसे पहले एल्कोहल बनाएंगे उसके बाद एल्डिहाइड बनेगा, यदि एल्केन से अम्ल बनाना है तो तीन स्टेप में, पहले एल्कोहल, फिर उसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और फिर उसके ऑक्सीकरण से ये अम्ल बनाया जाता है। और दूसरे एल्केन से भी इस तरीके से, दो कार्बन वाले एल्केन अर्थात एथिल एल्कोहल लेने पर, एथेन लेने पर एथिल एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन उसमें दो कार्बन रहेंगे तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड, फिर उनका ऑक्सीकरण कराएंगे तो अम्ल बनेगा, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है अम्ल बनता है, लेकिन उसमें दो कार्बन रहेंगे तो दो कार्बन वाला जो अम्ल होता है एसिटिक अम्ल होता है। तो ये चौथे प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद तीसरी रासायनिक अभिक्रिया, समावयवीकरण, समावयवीकरण। हम जानते हैं समावयता अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती है, तो एल्केनों में भी समावयवीकरण का गुण होता है, अर्थात
सीधी श्रृंखला वाले एल्केन का साखित श्रृंखला वाली एल्केन में परिवर्तन और ये संपन्न होता है एल्युमिनियम क्लोराइड एवं HCl की उपस्थिति में, और आवश्यक परिस्थितियां होती है उच्च ताप एवं दाब पर। अर्थात जब सीधी श्रृंखला वाले एल्केन को एल्युमिनियम क्लोराइड एवं HCl की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर गर्म किया जाता है तो साखित श्रृंखला वाले एल्केन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया समावयवीकरण कहलाती है। जैसे कि एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन लेते हैं, चार कार्बन वाले एल्केन ले लिए, चूँकि तीन कार्बन में शाखा बनेगा ही नहीं तो चार कार्बन तक के एल्केन ले लिए, सभी में सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये तीन, इसमें दो बॉन्ड हो जाएगा इधर इधर, दो दो और इसमें एक बॉन्ड है, मतलब ये तीन, ये एक एल्केन है सीधी श्रृंखला वाले एल्केन, चार कार्बन वाला ब्यूटेन, और चूंकि सीधी श्रृंखला के रूप में है इसलिए इसको नॉर्मल ब्यूटेन। एल्युमिनियम क्लोराइड एवं HCl की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर गर्म किया जाता है तो बन जाता है साखित श्रृंखला वाले एल्केन, चार कार्बन की शाखा बना देते हैं, ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक बांड तीन हाइड्रोजन, ये तीन हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन एक बांड, ये तीन हाइड्रोजन एक बांड, ये तीन हाइड्रोजन, तो ये भी एक एल्केन है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बांड है, हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी से दो अधिक है दोनों में, लेकिन ये शाखा में है, चार कार्बन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन जब शाखा में प्रदर्शित किया जाता है तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये हो गया इनका समीकरण। तो ये है समावयवीकरण, ये इनका समीकरण। एक बार और इनकी परिभाषा था समावयवीकरण क्या होता है देख लेते हैं। जब किसी सीधी श्रृंखला वाले एल्केन को एल्युमिनियम क्लोराइड एवं HCl की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर गर्म किया जाता है तो साखित श्रृंखला वाले एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया समावयवीकरण कहलाती है और ये इनका समीकरण। और दूसरे एल्केनों में भी इस प्रकार की अभिक्रिया करा सकते हैं। इन परिस्थितियों में किसी भी नॉर्मल एल्केन को आइसो एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया एरोमेटिकरण। चौथी रासायनिक अभिक्रिया एरो मैटीकरण क्या होता है देख लेते हैं। किसी नॉर्मल एल्केन, अर्थात सीधी श्रृंखला वाले, किसी नॉर्मल एल्केन का वेनेडियम या क्रोमियम के ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 या क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब
एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ही एरोमैटिकरण कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। जब किसी नॉर्मल एल्केन को वेनेडियम या क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तब एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एरोमैटिकरण कहलाती है। समीकरण देखते हैं। समीकरण, नॉर्मल एल्केन, चूंकि हम जानते हैं जो एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन होता है अर्थात बेंजीन, बेंजीन रिंग, इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं अर्थात इनमें इस प्रकार की संरचना होती है। ये इस प्रकार की संरचना, ये 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार के चक्र पाया जाता है, कार्बन कार्बन चक्र। नॉर्मल एल्केन अर्थात 6 कार्बन वाले एल्केन से ही हम एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। परिभाषा में उसको वैसे भी लिख सकते हैं कि जब 6 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन, जब किसी 6 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन को वेनेडियम या क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तब एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एरोमैटिकरण कहते हैं। समीकरण देखते हैं। नॉर्मल एल्केन 6 कार्बन परमाणु वाले एल्केन लेते हैं। 6 कार्बन परमाणु वाले एल्केन हम जानते हैं हेक्सेन, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एल्केन है, मैंने सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर एक एक बॉन्ड है, मतलब दोनों में एक एक हाइड्रोजन, ये तीन तीन हाइड्रोजन, अन्य सभी बीच के जो कार्बन है उसमें सब में दो दो बॉन्ड है, तो इन दोनों में, इन चारों में ये दो दो हाइड्रोजन परमाणु ये जुड़े रहते हैं। तो इसी को हम सीधे ना लिख कर उस रिंग के रूप में लिखते हैं अर्थात षडभुजी, षडभुजी उसमें लिखते हैं CH3, CH2, 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 ये CH3, ये है हेक्सेन, हेक्सेन। इनको जो है इन परिस्थितियों में वेनेडियम पेंटाक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, अर्थात 6 कार्बन परमाणु वाला एरोमैटिक यौगिक, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है अर्थात H2 निकल जाता है, H2। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलने पर इस कार्बन की संयोजकता, इन दोनों कार्बनों की संयोजकता एक एक कम हो जाती है तो दोनों के बीच एक बांड बन जाता है CH2, ये यहाँ पर एक बंध बन जाती है, ये CH2, बाकी पूरे CH2 षडभुजी आकार में, क्योंकि बेंजीन रिंग की विशेषता होती है, एक सम षडभुज होता है, ये इस प्रकार से। लेकिन एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन की हम दूसरी विशेषता जानते हैं, उसमें कार्बन कार्बन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे जो हैं सिंगल बॉन्ड हैं, तो इस कारण इन कार्बन परमाणुओं से भी एक एक हाइड्रोजन, माने पूरे से एक एक हाइड्रोजन निकल जाता है अर्थात सभी से, तो कुल हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल जाते हैं, ये CH, बेंजीन के समषडभुज में ये प्रत्येक कोने पर CH रहता है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ये तो कुल कितने हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहाँ से, दो दो माने 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात ये 4H2। तो इस प्रकार के यौगिक, एक चक्री कार्बन यौगिक जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होती है,
तो इस प्रकार का यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है और इस यौगिक का नाम है बेंजीन। तो ये प्रक्रिया कहलाती है एरोमेटिकरण। नॉर्मल 6 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण इन परिस्थितियों में अर्थात वेनेडियम और क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ गर्म करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण एरोमेटिकरण कहलाता है। ये इनका समीकरण। तो इस प्रकार से चौथी रासायनिक अभिक्रिया एल्केनों की एरोमेटिकरण, अंतिम एवं पांचवी अभिक्रिया भंजन। या ऊष्मीय अपघटन अपघटन। क्या होता है देख लेते हैं। ऊष्मा के प्रभाव से जटिल हाइड्रोकार्बन अर्थात बड़े जो हाइड्रोकार्बन हैं, जटिल हाइड्रोकार्बन का सरल अर्थात छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटना भंजन कहलाता है। समीकरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि ये C8H हाइड्रोजन एल्केन की विशेषता जानते हैं, दोगुनी से दो अधिक अर्थात 8 × 16 और 2 × 18 हाइड्रोजन को गर्म करते हैं। तो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन C6 एक 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन और एक 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन 14 तो बच गया 4, छः 2 × 8, 6 × 2 = 12, ये ऑक्टेन हेक्सेन 6 कार्बन वाला, ये ऑक्टेन 8 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन से ये बन जाता है 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन और 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। ये 6 कार्बन वाला एल्केन है, दोगुनी से दो अधिक हेक्सेन, ये 2 कार्बन वाला, लेकिन ये एल्कीन है क्योंकि दोगुनी हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी, एथीन। ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में, ये बड़ा हाइड्रोकार्बन था जटिल हाइड्रोकार्बन जो है छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन टूट जाता है। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया या अपघटन भंजन या ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है भंजन। ऊष्मा के प्रभाव से जटिल हाइड्रोकार्बनों का छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन या सरल हाइड्रोकार्बन्स में टूटना भंजन या ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ये समीकरण के रूप में देख लेते हैं। ये ऑक्टेन गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा के प्रभाव से ये 2 और 4 वाले भी हो सकता है या 3-5 वाला भी हाइड्रोकार्बन में इसको तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पाँचवीं रासायनिक अभिक्रिया भंजन या ऊष्मीय अपघटन। इसके बाद एल्केन्स के क्या क्या उपयोग हैं ये जान लेते हैं।
एल्केन्स के उपयोग उपयोग तो एल्केन्स का प्रमुख उपयोग, पहला उपयोग देखते हैं, कार्बन ब्लैक बनाने में उपयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक बनाने में, और इस कार्बन ब्लैक का उपयोग होता है छपाई वाली स्याही, काला पेंट या पॉलिश, ये बनाने में इनका उपयोग होता है। एल्केन्स के दूसरा उपयोग है ईंधन के रूप में। एल्केन्स के जो मिश्रण होते हैं इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे कि एलपीजी, तरल पेट्रोलियम गैस, जिनका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तीसरा उपयोग, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। मिट्टी तेल, केरोसिन, ये सारे एल्केन्स के मिश्रण हैं, ये भी बहुत उपयोगी पदार्थ हैं। चौथा उपयोग, एल्केन्स के हैलो व्युत्पन्न अर्थात एल्केन और हैलो व्युत्पन्न। एल्केन के हैलो उत्पन्न से तात्पर्य एल्केन एवं हैलोजन की क्रिया से प्राप्त यौगिक, जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफार्म, ये उपयोगी है। क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हैं एल्केन्स के हैलोजन व्युत्पन्न या हैलो उत्पन्न। क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनका उपयोग उद्योगों में, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। पांचवा उपयोग, एल्केनों के उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से हम एल्कोहल, एल्डिहाइड एवं अम्ल प्राप्त करते हैं, तो उनको बनाने में, एल्कोहल बनाना है तो एल्केन से बना सकते हैं, एल्डिहाइड बनाना है एल्केन से बना सकते हैं, या अम्ल बनाना है, तो पांचवा उपयोग एल्कोहल, एल्डिहाइड एवं अम्ल बनाने में। तो ये पांच उपयोग एक बार और देख लेते हैं। कार्बन ब्लैक बनाने में जिनका उपयोग छपाई वाली स्याही, काला पेंट या पॉलिश बनाने में किया जाता है ईंधन के रूप में, और प्रमुख रूप से एलपीजी, जो तरल पेट्रोलियम गैस, जिनका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों से एल्केन्स प्राप्त होते हैं बहुत सारे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये उपयोगी हैं। एल्केन्स के जो हैलोजन उत्पन्न है अर्थात एल्केन और हैलोजन की क्रिया से जो यौगिक बनते हैं, जैसे क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, हमारे लैब में अर्थात प्रयोगशाला में भी इनका उपयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग विलायक के रूप में, क्लोरोफार्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में अर्थात बेहोश करने के लिए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, अम्ल, ये तीनों प्रकार के पदार्थ भी एल्केन से बनाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये एल्केन्स बनाने की विधियाँ, कुछ प्रमुख एल्केन्स बनाने की प्रयोगशाला विधियों के बारे में पढ़े, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, क्या क्या उपयोग हैं। इसके बाद दूसरा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स, या इसी को और एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे कि एल्केन को पैराफिन के नाम से जाना जाता है, ओलिफिन्स। क्या होते हैं एल्केन्स?
वे हाइड्रोकार्बन जिसमें मूल एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, अर्थात इनका सामान्य सूत्र CN, मतलब जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2×N, जितने कार्बन उनका दो गुना होता है, एल्केन्स में दो गुना से दो अधिक, अर्थात एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। और इनकी दूसरी विशेषता होती है, इसमें एक कार्बन कार्बन द्विबंध पाई जाती है। एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु कम मूल एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु कम। और दूसरी विशेषता, ये कार्बन कार्बन द्विबंध पाई जाती है। तो इस प्रकार के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये एल्किन्स या ओलिफिन्स कहलाते हैं। जैसे दो कार्बन वाले एल्किन्स देखते हैं, C2, तो H होगा 4, दो गुना हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो गुनी होती है, जितने N होते हैं उसको गुना कर देते हैं, N = 2, 2 × 2 = 4। यदि इनको संरचना सूत्र के रूप में लिखते हैं तो ये अलग अलग संरचना, ये अणुसूत्र है, संरचना सूत्र मतलब कार्बन परमाणु, तो ये दो बाण हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, दोनों कार्बन के पास दो दो बाण है, अर्थात दोनों की संयोजकता दो दो, तो दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं दोनों पर, तो संयोजकता 4 हो जाती है। ये तो दो कार्बन वाले एल्किन, एथीन या एथिलीन, तीन कार्बन वाले C3, तो H होगा 2×6, इसमें भी एक संरचना सूत्र बनाते हैं, तो एक कार्बन कार्बन द्विबंध, तीन कार्बन एल्केन का नाम, तीन कार्बन वाले एल्केन का नाम जानते हैं प्रोपेन, तो एल्किन्स नामकरण पढ़े हैं, एल्किन्स में एल्केन के N को हटाकर इन जोड़ते हैं, तो ये तीन कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन, N हटा देते हैं तो प्रोप बचा और उसमें इन जोड़ देते हैं तो ये प्रोपीन। इसके अलावा और चार कार्बन 5, 6, 7, 8, तो उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दोगुनी होती है, तो वो होते हैं एल्किन्स। तो ये है एल्किन्स। एक बार और देख लेते हैं परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें मूल एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं तथा जिसमें एक कार्बन कार्बन द्विबंध पाई जाती है एल्किन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2×N, अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की दोगुनी, जैसे कि ये एथीन प्रोपीन। इसके बाद एल्केन बनाने की सामान्य विधियों के बारे में देखते हैं। तो एल्केन्स जो हैं एल्किन्स बनाने की सामान्य विधियां, सामान्य विधियां, एल्किन दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो एल्कोहल से एल्किन बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से एल्किन्स बनाई जाती है, एल्किल हैलाइड से। ये दो प्रमुख विधियां एल्किन्स बनाने की। सबसे पहले देख लेते हैं एल्कोहल से एल्किन्स कैसे बनाई जाती है। किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात जिसमें एक OH समूह हो, किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स से
जल के एक अणु के निकलने से माइनस होने से, जल के एक अणु के निकलने से एल्कीन्स बनता है, एल्कीन बनता है या एल्कीन्स बनता है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टिकोण से अर्थात कई बार प्रश्न एल्कोहल से कोई पर्टिकुलर एल्कोहल से कोई पर्टिकुलर एल्कीन कैसे बनाओगे ये पूछा जाता है, तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या देखना है कि कौन सा एल्कोहल नाम दिया हुआ कौन सा एल्कीन बनाने बोल रहा है, या साठ नोट्स निर्जलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये है निर्जलीकरण अभिक्रिया, क्या किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से जल का एक अणु निकलता है तब एल्कीन बनता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया अर्थात निर्जलीकरण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्जलीकरण अर्थात उससे निर्जलीकरण माने जल के अणु का निकलना, शाब्दिक अर्थ, दो तरीके से निर्जलीकरण अभिक्रिया करा सकते हैं। एलुमिना द्वारा निर्जलीकरण अर्थात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एलुमिना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एलुमिना, इनके साथ गर्म करके जल का अणु निकाल सकते हैं। और सांद्र H2SO4 के साथ भी गर्म करके जल का अणु निकाल सकते हैं अर्थात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलुमिना द्वारा निर्जलीकरण कैसे होता है। जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये एल्कोहल ले लेते हैं मोनोहाइड्रिक एक OH, एक कार्बन वाला एल्कोहल, वो भी मोनोहाइड्रिक होता है लेकिन एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं होता, तो ये दो कार्बन वाला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिए एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, को एलुमिना की उपस्थिति में 610 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एलुमिना की उपस्थिति में 610 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं जल का एक अणु निकल जाता है अर्थात निर्जलीकरण हो जाता है। प्लस ये जल का एक अणु निकल गया OH और यहाँ से एक H और ये बन जाता है C2H4। हाइड्रोजन दोगुना है अर्थात एल्कीन, दो कार्बन वाले एल्कीन ये एथीन। इसी तरीके से और दूसरे एल्कीन भी बना सकते हैं, तो जो एल्कीन बनेगा वो इनकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। यदि तीन कार्बन वाले एल्कोहल लेते हैं तो तीन कार्बन वाले एल्कीन बनेगा, चार कार्बन वाले एल्कोहल लेने से चार कार्बन वाला एल्कीन बनेगा अर्थात जो एल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक होना चाहिए। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण वही है, बिल्कुल इसी के समान है, केवल इस के स्थान पर सांद्र H2SO4 ये एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना पड़ेगा। दूसरा सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण, सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, तो सांद्र H2SO4 द्वारा भी निर्जलीकरण बिल्कुल उसी प्रकार से होता है कि जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, कोई भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ले सकते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब जल का एक अणु निकल जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, ये गर्म करने का चिन्ह, जल के एक अणु निकल जाता है और एल्कीन बनता है। जैसे कि ये जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किए तब बनने वाला एल्कीन एथीन। तो ये दो निर्जलीकरण अभिक्रिया, कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं,
निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो सीधे हम ये लिख देते हैं कि जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से जल के एक अणु के निकलने से एल्किन बनता है, इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं कि जब एथिल एल्कोहल को एलुमिना के साथ 610 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जल के एक अणु निकल जाता है और एथिन बनता है। यहाँ पर ये स्पेशल, जब एल्कोहल स्पेशल ले लिए तो बनने वाला एल्किन भी स्पेशल नाम, लेकिन उसमें कॉमन चीज, पहले जब निर्जलीकरण अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें कॉमन चीज को पूरे एल्कोहल एल्किन्स के लिए, लेकिन जब समीकरण जब या उदाहरण जब लिखते हैं तो किसी पर्टिकुलर या स्पेशल कोई एल्कोहल का नाम लिखते हैं तो बनने वाला एल्किन, परिस्थितियाँ वही हैं दोनों परिस्थितियों में, एल्युमिनियम के साथ गर्म करके भी, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके ही, तो जब स्पेशल कोई एल्कोहल लिखे हुए हैं तो बनने वाला एल्किन का भी नाम होगा या स्पेशल होगा। इसके बाद दूसरी विधि एल्किल हैलाइड से, एल्किन्स एल्किल हैलाइड से भी बनाई जाती है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से कैसे बनाई जाती है, जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त, जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त युक्त एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, अर्थात सीधे समीकरण ले लेते हैं जैसे कि 1, 2, 3 कार्बन, यदि इस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ जैसे Cl हो चाहे Br हो, ये Cl, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा कार्बन, तो इस कार्बन पर देखो इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया का एक और नाम है, दूसरा नाम इसको विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया, तो ये है विलोपन अभिक्रिया कि जब किसी द्वितीयक हाइड्रोजन युक्त, इसमें हाइड्रोजन होगा, देखते हैं हाइड्रोजन जोड़कर देखते हैं, ये हैलाइड जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, दो बाण दो हाइड्रोजन, एक बाण 3 हाइड्रोजन, ये बीटा कार्बन और इससे जुड़े 2 हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, तो ये एक यौगिक है जिसमें क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, इस यौगिक का नाम 1, 2, 3, ये एक एल्किल हैलाइड है, 3 कार्बन वाले एल्किल प्रोपिल, और जो हैलाइड यहाँ पर है वो Cl है, अर्थात ये क्लोराइड। तो ये है विलोपन अभिक्रिया कि जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड को एल्कोहली KOH के साथ, एल्कोहली KOH या हिंदी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ गर्म किया जाता है, प्लस KOH और ये होगा एल्कोहली, ये 60 में के साथ गर्म किया जाता है, तब हाइड्रोजन हैलाइड, एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हैलाइड, ये हैलाइड, तब हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु ये क्या हो जाता है, निकल जाता है और बनता है एल्किन, और ये एल्किन बनता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं।
समीकरण, लेकिन ये हाइड्रोजन ये हैलाइड निकलता है, ये CH3, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है CH, अब ये 2, तो यहाँ से एक एक संयोजकता कम हो जाती है, तो ये डबल बॉन्ड और ये HCl, तो ये एक एल्कीन बन गया, 3 कार्बन वाले एल्कीन, डबल बॉन्ड है ये एल्कीन प्रोपीन, तो ये अभिक्रिया कहलाती है विलोपन अभिक्रिया। एक बार और देख लेते हैं, जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है तब हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन बनता है। ये उदाहरण, जब प्रोपिल क्लोराइड लिए तो प्रोपीन में और एल्कीन बनता है, यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है और ये इनका समीकरण। तो इस प्रकार से ये दो विधियाँ एल्कीन बनाने की। अगले कालखंड में जो प्रमुख एल्कीन्स है एथिलीन, उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।